भगवान शिव का रुद्र अवतार हिंदू धर्म में शिव का एक प्रसिद्ध रूप है। वह अक्सर एक शक्तिशाली तूफान से जुड़ा होता है। रुद्र का शाब्दिक अर्थ है तूफान, और यह शब्द कई लोगों द्वारा विशिष्ट रूप से शिव के सबसे हिंसक और रौद्र रूप के दूसरे नाम के रूप में उपयोग किया जाता है। वह उन तीन दिव्य प्राणियों में से एक है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और भगवद गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में पृथ्वी और स्वर्ग पर राक्षसों की क्रूरता और अत्याचार को समाप्त करने के लिए शिव के 11 रूपों एकादश रुद्र को जीवन में लाने के लिए रुद्र शब्द का उपयोग किया गया है। विभिन्न ग्रंथों में इन रुद्रों की उत्पत्ति की अलग अलग कहानियां हैं। ऐसे ग्रंथों में से एक में उल्लिखित कथा के आधार पर शिव पुराण अध्याय 3 शतरुद्र संहिता खंड 17 11 रुद्रों की उत्पत्ति यहाँ है। शिव पुराण के अनुसार रुद्रों की उत्पत्ति। उन दिनों में जब देवता स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, जब देवता न्याय और प्रकाश के लिए लड़ते थे, वज्र के देवता इंद्र अमरावती पुरी नामक शहर में देवताओं पर शासन करते थे, ऐसे ही एक युद्ध में राक्षसों ने इंद्र और उनकी देवताओं की सेना को हरा दिया और उन्होंने देवताओं को शहर से भागने के लिए मजबूर कर दिया। देवता भय से भर गए और निराशा से बाहर निकलकर महर्षि कश्यप के आश्रम, एक निवास स्थान जो एक स्कूल के रूप में भी काम करता था, में चले गए। वो इंद्र के पिता थे। देवताओं के राजा, जो अब गद्दी से उतार दिए गए थे, ने सभा में अपने पिता को सारी कहानी बताई। राक्षसों के कृत्यों से कश्यप क्रोधित थे। महर्षि अपने सर्वोच्च ज्ञान और ध्यान करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। इस प्रकार उन्होंने भगवान को सांत्वना दी और वादा किया कि वो समस्या का समाधान ढूंढेंगे। महर्षि ध्यान करने और स्वयं दिव्य इकाई शिव से साक्षात्कार करने के उद्देश्य से काशीपुरी की ओर चल पड़े। काशीपुरी पहुंचने के बाद उन्होंने एक शिवलिंग, शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बेलनाकार आकार का मंदिर स्थापित किया और उनके नाम का जप करके उसकी उपस्थिति में ध्यान करना शुरू कर दिया। काफी देर तक ध्यान करने के बाद शिव उनके सामने प्रकट हुए। वो कश्यप के ध्यान से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महर्षि से एक इच्छा मांगने को कहा। कश्यप को देवताओं की दारुण स्थिति याद आ गई। फिर उन्होंने शिव को बताया कि राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया है और अमरावती पुरी शहर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने शिव से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने, देवताओं को न्याय प्रदान करने और उनके रक्षक के रूप में शहर में स्थान लेने के लिए कहा। शिव ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूरी की। ऐसा ही हो। परमानंद में कश्यप ने इकाई के प्रति अपनी धर्मप्रायणता दिखाई और वह गायब हो गए। महर्षि अपने आश्रम लौट आए और देवताओं को पूरी घटना बताई। वे सब कुछ सुनकर प्रसन्न हुए। समय के साथ कश्यप ने अपनी पत्नी सुरभि को गर्भवती किया, जिससे 11 पुत्रों को जन्म मिला। ये दिव्य इकाई शिव के रूप थे और रुद्र के नाम से जाने जाते थे। उनके जन्म से देवता कश्यप और उनकी पत्नी सहित संपूर्ण जगत प्रसन्न हुआ। 11 रुद्रों के नाम कपाली, पिंगल, भीम, विरूपक्ष, विलोहित, शास्त्र, अजपाल, अहिरबुधन्या, शंभु, चंद, भव। देवताओं की सुरक्षा के लिए नियुक्त ये 11 रुद्र युद्ध और युद्धकला में कुशल थे। उन्होंने राक्षसों का नाश किया और इंद्र को देवताओं के वास्तविक राजा और अमरावती पुरी शहर के रूप में फिर से सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि वे ऐसे राक्षसों से रक्षा करने और बुराई और अंधेरे के खिलाफ लड़ाई में देवताओं की सहायता करने के लिए भिन्न स्थानों में स्थायी रूप से तैनात थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।